हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष अंगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मंथली टेस्ट जो नंबर वन है, अगस्त माह का टेस्ट, उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप फटाफट जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और सही आंसर को टिक मार्क करते जाइए। और हाल ही में इसके बाद में आने वाली सभी एग्ज़ामों के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। यहाँ पर जान लेते हैं, आज पहला फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि ही इज़ MLA। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आर्टिकल को मैंने बहुत ही अच्छे से चैनल पर समझाया है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे ही हम एम करेंगे तो यहाँ पर ए यानी कि एक वोवेल्स साउंड आ रहा है, और वोवेल्स साउंड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर 100% एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सी ड्रॉस पिक्चर, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पिक्चर पा साउंड निकल रहा है और पा व्यंजन है, इसलिए पा व्यंजन के साथ में ए आर्टिकल का यूज होगा। ही जंप्ड द वेल, तो यहाँ पर आर्टिकल के ये थोड़े से तीनों ऑप्शंस गलत है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन नहीं, इसलिए इसमें इनटू का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ही हिज वर्क, तो देखो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, यानी कि ही हो रहा है, और आई वी ओ दे के साथ में वी वन का यूज होता है, और ही सी इट और नेम के साथ में वी वन प्लस ए सी एस या आई एस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ही के साथ में डज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वी, तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, डू इज डायरेक्टेड के कुछ सेंटेंस पूछे गए थे, यानी कि ही डिड इज वर्क वेल। तो आपको सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी आप सेंटेंस को किसी भी टेंस में चेंज करते हो तो सेंटेंस कॉन्फर्मेशन करना आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको सबसे पहले सेंटेंस को कन्फर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही आपका सेंटेंस चेंज होगा। देखो सेंटेंस कन्फर्मेशन करने के लिए बच्चों, आपको सबसे पहले आप सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को रीड करें, हेल्पिंग वर्ब को रीड करने के बाद में आप उसकी मेन वर्ब को अंडरस्टूड करें, उसके बाद में ही सेंटेंस को चेंज करें। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। यहाँ पर आपका सेंटेंस में जो पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसमें नेगेटिव बनाना है, यहाँ पर डिड यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, और सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है मतलब कि सेकंड फॉर्म से आपको वी टू से वी वन की ओर जाना है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस में क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यानी कि ही सब्जेक्ट वैसे ही रखेंगे ही, और ही के बाद में क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगा देंगे, यानी कि ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में जो डिड है ये डिड से क्या हो जाएगा, वी टू से वी वन हो जाएगा, यानी कि डू, ठीक है। और उसके बाद में हिज वर्क वेल वैसा का वैसे रहेगा। पूरा आंसर एक बार फिर सुन लीजिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका पूरा आंसर बनेगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू यानी कि ही शी शट द डोर, तो देखो यहाँ पर शी शट द डोर स्पष्टली हो रहा है बच्चों कि ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट की ओर जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शट इसका वी वन वी टू है ना, शट ही है इस वी टू और वी थर्ड शट ही है, इसलिए पास्ट सिंपल है, सिंपल सी बात है। सी सी के बाद में यहाँ पर सी के बाद में डिड नॉट लग जाएगा, सी डिड नॉट, और शट वैसा का वैसा ही रहेगा, शट द डोर, सी डेड सी डिड नॉट शट द डोर, ये आपका आंसर है। इसके बाद में ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस में फर्स्ट टू हटाएंगे, फर्स्ट टू हटाया उसके स्थान पर सो लगाया, सेकंड टू हटाया उसके स्थान पर डेट लगाया, और डेट के बाद में आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट जोड़ना है। तो सब्जेक्ट क्या रह जाएगा आपका, ही लग जाएगा, और कैन नॉट क्योंकि यहाँ पर इज आया इसलिए कैन नॉट लगेगा। पूरा आंसर एक बार फिर सुन लीजिए, ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये पूरा आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर मैंने वॉइस का भी कुछ वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहां पर वॉइस के सेंटेंस को भी देखें, वॉइस को समझें, और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप टेंथ के बच्चे हैं, और यदि आप
अंग्रेजी या संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको चैनल कैसा लगा। ठीक है, डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करते हैं और बाकी के सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो आपका ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के यदि पैसिव में यदि चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम टॉयज हमारा ऑब्जेक्ट है तो टॉयज ले लेंगे और टॉयज के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आर ही रहेगा और आर के बाद में बिंग का यूज हो जाएगा। टॉयज आर बिंग और उसके बाद में मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेड बाय चिल्ड्रन, मेड बाय चिल्ड्रन, टॉयज आर बिंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, मैन वर्ब में हैव लग जाएगा यानी कि आई वी यू दे के साथ में हैव का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैच का यूज, यहाँ पर दे आया है इसलिए हैव लगाया और सेलिंग फोर्थ फॉर्म में तो इससे सोल्ड हो जाएगा यानी कि थर्ड फॉर्म सोल्ड देयर हाउस, पूरा आंसर बन जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये आपका पूरा करेक्ट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपको यदि वीडियो कैसा लगा अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।